नमस्कार श्रोताओं, आरआर टेल्स की कहानी यात्रा में आज हम कहानी लेकर आए हैं गर्व करो घमंड नहीं। एक किसान के पास एक गाय थी जो रोज चारा चरने जंगल जाती थी और शाम को किसान के घर वापस आ जाती थी। एक दिन गाय घास चरते चरते घने जंगल में चली गई। गाय को पता ही नहीं चला वो कितनी दूर आ गई है। जब गाय को लगा कि वह काफी दूर आ चुकी है तो उसने वापस घर के लिए आना शुरू कर दिया। थोड़ा सा वापस आने पर रास्ते में एक शेर ने गाय को देख लिया। गाय शेर को देखकर डरने लगी और गाय के पास जंगल के अंदर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गाय जंगल के अंदर और अंदर चली गई। आगे तालाब था। शेर ने सोचा अब गाय कहाँ जाएगी। जैसे ही गाय तालाब में जाएगी उसे जाकर पानी में पकड़ लूंगा और थोड़ी दूर बैठकर गाय का पानी में जाने का इंतजार करने लगा। गाय के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। वह धीरे धीरे तालाब में जाने लगी। तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा थी। वह थोड़ी अंदर चली और कीचड़ में धंस गई। वह कुछ नहीं कर पा रही थी और थककर कीचड़ में ही खड़ी हो गई। अब शेर को मौका मिल गया गाय को पकड़ने का और शेर तालाब के पास आया और जोर से गाय की तरफ तालाब में छलांग लगा दी। शेर को भी मालूम नहीं था कि तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा है और जोर से छलांग लगाने के कारण शेर और कीचड़ के अंदर धंसता गया। अब गाय और शेर दोनों लाचार थे। कोई सा भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर गाय ने शेर से कहा, आपका कोई मालिक है जो आपको यहां से बाहर निकाल सके। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और जोर से दहाड़ मारकर बोला, मेरा कौन मालिक होगा। मैं खुद जंगल के सभी जानवरों का राजा हूं, मुझे किसी की क्या जरूरत। थोड़ी देर के बाद शेर का गुस्सा कम हुआ। फिर शेर ने गाय से कहा, लेकिन तुमने यह क्यों पूछा कि मेरा कोई मालिक है या नहीं। गाय ने कहा कि मेरा मालिक एक किसान है जो शाम होते ही मुझे खोजेगा और मुझे ढूंढकर मुझे तो यहां से निकाल लेगा, लेकिन तुम्हें कौन निकालेगा। और शाम होते ही किसान गाय को ढूंढते ढूंढते तालाब तक पहुंच गया और गाय को बाहर निकाल लिया और शेर तालाब में फंसा रह गया और मर गया। तो श्रोताओ, हमें शेर की तरह घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूं, क्योंकि हमें कभी न कभी किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। ये हमारा अहंकार ही है जो हमें शेर की तरह मुसीबत में डाल देता है और जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें खुद पर गर्व होना चाहिए, न कि घमंड। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी कैसी लगी हमें अपने सुझाव जरूर दें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।